हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए, उसे स्वीकार कीजिए। देखिए, आज तो मैं आपसे जिसकी बात करने आ रही हूँ, देखिए प्लूमेरिया आप लोग चंपा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो इसकी वैरायटी है वो प्लूमेरिया फ्रेजीपानी भी कहते हैं, रेड फ्रेजीपानी। और प्लूमेरिया की अगर हम बात करें तो इसकी वैरायटी का नाम है रूब्रा। इसकी बात करने आई हूँ, मेरे पास ये देखिए ये कोई प्लांट नहीं है, ये तो आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि देखिए हम लोग सोचते हैं कि जब भी हमें कोई प्लांट चाहिए होता है तो हम नर्सरी ढूंढें, हम रूट्स वाला प्लांट लाएं जिसकी रूट्स हो और हम अपने इसमें लगाएं। लेकिन जो मेरा, मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे जितने प्लांट्स हैं हमारे पास, उसमें से ज़्यादातर जो हैं उसमें से 90% प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनको कि हम स्टेम कटिंग से उगा सकते हैं। ये प्लांट अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो कम से कम 300 से 400 तक में आएगा, लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ उसको मैंने कहीं लगा हुआ देखा पार्क में, तो मैं एक स्टेम ले आई। देखिए, ये स्टेम लाना भी एक उसी प्लांट का फायदा करने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्रूनिंग करते रहेंगे, जैसे ही आप कट करेंगे वहां से दो स्टेम्स और आ जाएंगी, तो उसी तरह से अगर मैंने जहां से ये स्टेम कट करी वहां पे दो स्टेम्स और निकल आएंगे तो प्लांट बुशी हो जाता है, बल्कि प्लांट फैलता है, कभी भी कम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी, पहले तो मैं यही करती थी, जैसे ही मेरा कोई प्लांट चला गया तो चलो दोबारा लेने जाती हूँ उसको नर्सरी में। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा अनुभव ने, एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि ज़्यादातर प्लांट स्टेम कटिंग से लग जाते हैं, तो इसको भी आज मैं स्टेम कटिंग से ही लगाने जा रही हूँ। प्लूमेरिया को बहुत सुंदर प्लांट है, अगर अब आप देख लेंगे ना, हम मेरे व्यूअर्स में आप देखेंगे रोड्स के ऊपर वाइट कलर के फूल है, बहुत रोड्स पे लगे हुए हैं, आम बिल्डिंग्स के बाहर रोड्स पे बहुत काफ़ी अच्छी हाइट ले लेता है। कई वेराइटी है इसमें, चंपा में बहुत सारी है, वाइट भी है, ऑफ वाइट, येल्लो और वाइट भी है, पिंक भी है, जैसे ये है, कई वेराइटीज़ है। तो चलिए हम अब इसकी प्रोपेगेशन करेंगे और हम नया प्लांट बना देंगे इससे। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम इसकी स्टेम कटिंग्स को लगाएंगे, और उससे पहले हम क्या करेंगे, जितनी इसकी लीव्स आ रही होंगी देखिए वो सारी लीव्स हमें काट लेनी है। और साथ साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जिसने भी सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से मैं आपको एक बता देती हूँ, देखिए इस तरह से हमें सारे पत्ते इसके काट लेने हैं। जैसे कि मैं हर स्टेम के ऊपर आपको कहती हूँ कि ये देखिए, ये थोड़ा वो रबर प्लांट जो होता है इसमें से इस तरह से वाइट जो मटेरियल है वो भी निकलता है। तो देखिए ये जो फूल है ये भी हमें काटना पड़ेगा, जब ये लगा हुआ था बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए इस तरह से हमें सारे इसके काट लेने हैं। अब इसी तरह से मैं ये भी सारे काट लूँगी, और उसके बाद देखिए इसी एक ही जो मैंने ब्रांच इसकी तोड़ी है पेड़ की, उसमें से आप बहुत सारे प्लांट्स, ये नहीं कि एक दो, आप जितने चाहेंगे जितनी स्टेम्स आप लगा पाएंगे, मुझे लगता है क्योंकि काफ़ी लंबी स्टेम है तो काफ़ी सारे इसमें से हम प्लांट्स को बना पाएंगे। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब इसके एक डेढ़ महीने में, समर्स में तो अभी बारिशें आने वाली हैं तो फटाफट ग्रोथ हो जाएगी, तो जब भी ग्रोथ होगी तो मैं फिर दोबारा से आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है कि इसकी, जैसे ये वाली स्टेम है, ये वाली स्टेम है, इसकी ये स्टेम है, इसके भी मैं कुछ पीसेस कर लूँगी। तो मैं आपके सामने, जब भी हम इसको काटेंगे, पहली बात तो है कि मैंने इसकी सीजर को किसी भी एंटीसेप्टिक जैसे सेवलॉन से कॉटन लेके इसको साफ ज़रूर कर लेना है ताकि फंगस ना लगे। और इसको इस तरह से, अगर आपके पास कटर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस तरह से ये स्टेम मेरी कट चुकी है, और इसको मैं इस तरह से सारी स्टेम्स तैयार कर लूंगी।
तो इसको अभी पॉटिंग मिक्स में या मुझे लगाना नहीं है, इसको 2 या 3 दिन के लिए मुझे बिल्कुल ये नीचे से ड्राई होने के लिए रख देना है। जब इस तरह से देखिए, मैं अभी स्टेम्स काट लूंगी काफी सारी, और जब ये पूरी ड्राई हो जाएंगी तो मैं फिर मिलूंगी आपसे और फिर से हम इसकी पॉटिंग मिक्स में इसको प्रोपेगेशन करेंगे। तो देखिए, प्लूमेरिया को जो मैंने की स्टेम कटिंग से मैं प्रोपेगेशन करना चाह रही थी, उसको ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुके हैं और उसकी स्टेम्स भी सूख चुकी हैं काफी हद तक। तो हम उसकी प्रोपेगेशन करेंगे, साथ साथ में मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे। देखिए, उसमें तो मोतिया में कली भी बन गई है, बर्ड्स भी आ गई हैं, और पुदीना भी बहुत अच्छे से, मिंट भी मैं आज कट करने वाली हूँ, मिंट को बहुत अच्छे से आया हुआ है और आज चटनी बनने वाली है मिंट की। और बैंगन के तो आप देख ही रहे हैं कितने सारे फूल आपको दिख रहे हैं। कई बार हम लोग बैंगन हार्वेस्ट कर चुके हैं और लगातार बैंगन आता जा रहा है। तो चलिए, मैं अब आप बातें ऐसे तो पौधों की होती रहेंगी, हम अपनी बात पे आ जाते हैं, प्लूमेरिया की बात करते हैं। देखिए, ये पर 4-5 दिन में ऑलमोस्ट सारी स्टेम्स पूरी तरह से, देखिए ये वाली भी अब पूरी तरह से सूख चुकी हैं। ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि प्लूमेरिया जो है चंपा का पौधा है, पिंक कलर के फूल आते हैं जिसके, फ्रेंजीपानी, उसकी प्रोपेगेशन करना चाह रही हूँ। देखिए, जो मैंने इसमें पॉट में लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने गार्डन सॉइल ली है और कंपोस्ट डाली है और इसमें मैंने सैंड मिक्स की है। ये तीन चीज़ों के से मैंने पॉटिंग मिक्स बनाई है और इसमें ही मैं अपनी ये जो स्टेम्स हैं वो इसमें प्रोपेगेट करूंगी ताकि मुझे नया पौधा मिल जाए। जब भी मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, देखिए, या तो जब आप प्रोपेगेशन कर रहे हो तो आपके पास या तो मतलब आप रूटिंग हार्मोन जो मार्केट में मिलते हैं आप वो लीजिए। जो मैं करती हूँ, मैं ये अपने घर में ही हनी या दालचीनी पाउडर जो होता है उससे मैं प्रोपेगेशन, देखिए इस तरह से जो हमने स्टेम को रू इसमें डालना है उसको हम इस तरह से रूटिंग हार्मोन लगा लेंगे, 2 मिनट के लिए रख देंगे इसको इस तरह से, इसमें भी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से रूटिंग हार्मोन लग चुका है, देखिए अब देखिए, जब भी हम इसको इसमें प्रोपेगेट करेंगे तो हमें ये देख लेना है कि हमें कम से कम इतना गहरा, हमें एक किसी की भी मदद से पेचकस, स्क्रू ड्राइवर या किसी की, इस तरह से इसको दबाना नहीं है, बहुत ही आराम से इसको इस तरह से हमें रखना है, हमें प्रेस नहीं करना है इसको। इसके लिए भी मैं यही करूंगी। देखिए, और जब इसका मुझे नया प्लांट, और तीसरी मेरी ये भी स्टेम थी एक, और जब मुझे इसके नया प्लांट मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ, मैं जनरली क्या करती हूँ कि एक ही पॉट में लगाने की कोशिश करती हूँ जब तक कि रूट्स ना आ जाएं, ताकि मुझे पता रहता है कि मैंने यहाँ पे ये वाला प्लांट प्रोपेगेट किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका एक बड़ा प्लांट है और उसी के साइड में कर दें ताकि आपको पता रहे कि ये वाला प्लांट मैंने यहाँ पे प्रोपेगेट किया था। देखिए इस तरह से, और जैसे ही इनकी रूट्स आ जाएंगी तो मैं इन प्लांट्स को अलग अलग पॉट्स में डाल दूंगी। एक्चुअल में तो इसको भी हम और भी अभी इसको कट कर सकते थे यहां से और एक और प्लांट बना सकते थे, पर मुझे लगा कि ठीक है और तीन ही ठीक है।
उसके बाद देखेंगे पहले ये आ जाएं, क्योंकि ये वाली वैरायटी मेरे पास है नहीं है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली वैरायटी पिंक फूलों का चंपा, तो मैंने इसलिए इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की है। और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अभी जो वन महोत्सव 1-7 जुलाई तक चल रहा था, तो इसके अंतर्गत मैंने सामने अपने पार्क में हर रोज़ कोशिश की कि मैं अपने घर के साथ साथ बाहर भी एक प्लांट या ट्री लगाऊं, और ज़्यादा हमने ट्री लगाए हैं तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और आज के लिए तो मुझे लगता है प्लूमेरिया का पौधा मैंने प्रोपेगेट कर लिया है और यही आपसे शेयर करना चाहती थी। और हमेशा की तरह मैं जैसे कहती हूँ कि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं, कोई रिपॉट करते हैं या प्रोपेगेट करते हैं, तो हमें पानी ज़रूर दे देना चाहिए। तो देखिए उसी के साथ ही मैं भी पानी दे देती हूँ। और जब भी हम ये जैसे इस तरह से हमने प्रोपेगेट किया है, तो हमें इस पौधे को कम से कम 5-6 दिन तक हमें इसको बिल्कुल शेडी में रखना होगा, छाया में रखना होगा, नहीं तो ये प्लांट हमारा नहीं प्रोपेगेट हो पाएगा। तो इसको मैं भी, अभी तो शाम का समय है, इसको डायरेक्ट धूप में हम नहीं रखेंगे और कुछ दिन तक शेडी एरिया में छाया में रखूंगी, ताकि ये अपनी जो मिट्टी में की पकड़ बना ले। उसके बाद ही मैं इसको, मतलब अब सनलाइट आती रहे, इनडायरेक्ट आती रहे, फिल्टर होकर आती रहे, तो कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट एकदम तेज वाली धूप नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। तो चलिए मेरा प्लूमेरिया तो प्रोपेगेशन हो चुकी है, फिर मिलूंगी, फिर आऊंगी, फिर अपने अनुभव शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी के लिए ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। तो मिंट भी कट कर लेते हैं, देखिए बहुत सारा, ये जितना हम इसको कट करते जाएंगे इसकी प्रूनिंग होती जाएगी, ये उतना ही बुशी होता जाएगा और आते जाएंगे पत्ते। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मिंट, तो से लग रहा है पूरा छत ही महक रही हो। देखिए इसी स्टिक पे और पत्ते आते जाएंगे। ये मैंने कई पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया आप लोगों को कि मिंट को मैंने किस तरह घर पे ही, जो हम मिंट लाते हैं, स्टिक्स लाते हैं, उसी को ही मैं लगा के रीग्रो किया हुआ है मैंने, और इनकी पत्तियां लेती रहती हूँ और पत्तियां आती रहती हैं। और इसको जो रॉ मैंगो होता है, अम्बी जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे वो सब चीजें हैं जो हम खुद उगा पाए और प्रकृति से जो भी हमें वनस्पति दी है उसको हम अच्छे से यूज कर पाए, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए सभी तरफ से ले लेने से क्या होता है कि ये प्रूनिंग हो जाती है और फैल के आता है फिर। तो काफी सारा मैंने मिंट तोड़ लिया है, तो अब मैं जाती हूँ, अभी मेरा फाइनल वाला बाय है। ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।